नहीं, आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। नागपुर में दीक्षा भूमि पर अनुयायियों का जन सैलाब उमड़ा। देर रात तक आगे बढ़ती रही नीली पंखियों की लहरें। धर्मचक्र पर्वतन पर पंचशील के झंडों से सजी दीक्षा भूमि, जिस भूमि पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों के जीवन में आत्मविश्वास और प्रेरक में जीत पैदा कर दी है। अब इन लोगों के सैलाब से दीक्षा भूमि 63वें धर्मचक्र पर्वतन दिन के लिए सज गई है। इंसानों के बीच उचित व्यवहार का आचरणशील प्रतीक माने गए पंचशील के झंडों से पूरा दीक्षा भूमि परिसर सज गया है। सोमवार से ही पंचशील का ध्वज अपने कंधों पर लेकर जय भीम का घोष करते हुए देर रात तक देश विदेश से आई नीले पंखियों की लहरें दीक्षा भूमि की दिशा में कदम कदम आगे बढ़ती रही हैं। हजारों साल में वर्ण व्यवस्था को बाबा साहेब ने ठिकानों लगा कर नई जिंदगी दी है। वह दिन था धर्म चक्र प्रवर्तन का दिन। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने साल 1956 में धर्म प्रवर्तन कर लाखों शोषित पीड़िता का जीवन बदल दिया। उस दिन को याद करते हुए बाबा साहेब के कार्यों के सामने अपना शीश नवाने के लिए देश के कोने कोने से अम्बेडकरी अनुयायी जय भीम का नारा लगाते हुए दीक्षा भूमि पहुंचे हैं। धूप बारिश समेत सभी संकटों का सामना करते हुए नीले पक्षियों की लहरें सोमवार देर रात से ही दीक्षा भूमि की ओर आगे बढ़ती रही। इन अनुयायियों की सुविधाओं के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति, समता सैनिक दल, पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका व स्वास्थ्य सेवा विभाग प्रसारत है। दीक्षा भूमि का स्तूप आकर्षक रोशनाई से चमक रहा है। भव्य धम्म मंच पंचशील के झंडे आकर्षित का केंद्र बन गए हैं। कर्नाटक से पहुंचा नीला, दक्षिण भारत से इस वर्ष बड़ी संख्या में अम्बेडकरी अनुयायी आए हैं। कर्नाटक से 500 से भी अधिक अनुयायी शासकीय बस लेकर आए हुए हैं। लोगों में जोश और उमंग की लहरें चेहरे पर दिख रही है। दीक्षा भूमि पर धर्म दीक्षा में आए हैं मुख्य अतिथि। थाईलैंड के भदंत व म्यांमार के बौद्ध उपासक होंगे मुख्य अतिथि। आज शाम 6 बजे से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही शाम को धर्मचक्र प्रवर्तन स्थापना दिवस के लिए स्मारक समिति के साथ पुलिस प्रशासन, मनपा, स्वास्थ्य सेवा सहित अन्य शासकीय यंत्रणा सेवाएं देंगी और साथ ही जगह जगह भव्य पंडालों में माँ प्रसाद का भी आयोजन किया गया है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS News के साथ। धन्यवाद।